Hello everyone, welcome back to MCIQ. Today we are going to learn next part of the English grammar of the 12th class. So today we are going to learn clauses. So first of all, how are you all? Tell me accordingly by your comment. Okay, so स्टार्टिंग में मैंने बोला हेलो एवरीवन. सो ये मेरी एक आवाज़ आपको कभी कभी सुनाई दे सकती है, क्योंकि जो मेरे एक सर हैं सत्येंद्र सर, काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ ऐसी है, मुझे उनको मिमिक करने में मज़ा आता है. सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, यू आर वेल. सो क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लोजेस. क्या है क्लोजेस? क्लोजेस क्लोजेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोजेस. ओके, तो बिना किसी देरी के हमें स्टार्ट करना है. और क्लोजेस को तीन भागों में बांट रखा है, नाउन क्लोज, उसके बाद बांट रखा है इसको एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज. ये तीनों हमें पढ़ने हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम नाउन क्लोज के साथ. नाउन क्लोज के साथ हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ होने वाली है आपको. अब देखो, नाउन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. देखो मैं बता देता हूँ, पहले होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्लोज बनाते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, यू आर गुड स्टूडेंट, ओके, यू आर बेस्ट. तो ये बेस्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ना, आपको बता, यू आर बेस्ट, आप कैसे हो, बेस्ट हो, तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ. सब्जेक्ट तो पता ही आपको. तो सेंटेंस यहाँ देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला ये रहेगा हमारा. तो इसका क्या है सेंटेंस देखिए, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ is round, full stop, it is known to all, it is known known and to all. The earth is round, मतलब पृथ्वी round है, गोल है. It is known to all, ये सभी को पता है. Okay, अब तो इस sentence को हमें क्लोज के जरिए छोटा करना है. छोटा बोले तो इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि ये ज़्यादा लंबा भी ना लगे और क्लोज भी बन जाए. तो क्लोज का इस्तेमाल करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे कि हम इस क्लोज में इस्तेमाल कर रहे हैं डेट, डेट का मतलब होता है की, जो की, और या फिर की. द राउंड इज, सॉरी, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, जो की सबको पता है, वो चीज़ हो गया ना. तो हम ये लिखेंगे दैट, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल. देखो ये सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको कहीं मिलेगा तो मिलेगा अनसीज पैसेज में. द अर्थ इज राउंड, ये तो समझ में आ रहा है. उसके बाद इस कैसे आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, बच्चों का सर यहीं घूम जाता है, क्या हो गया भाई, ये कैसे आ गया भाई. ऐसा ही होता है क्लोज में. देखो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये एक बात बता रहा हूँ. कौन सी बात बता रहा हूँ? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये हमें पता है. तो वही चीज़ है, दैट द अर्थ इज गोल, पृथ्वी जो गोल है इज नॉन टोल, ये सभी को पता है. तो वो चीज़ यहाँ से कनेक्ट, मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या जुड़ गए, किससे जुड़े, डेट से. डेट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी जो गोल है इज नॉट गोल, जो सभी को पता है कि, सभी को पता है पृथ्वी गोल है कि, सभी को पता है ना. उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी विल एग्री इट इज डाउटफुल. She will agree
full stop. It is doubtful. अब यहां पर इस्तेमाल हो रहा है वेदर का. वेदर का मतलब चाहे ऐसा हो, है ना, चाहे कैसा भी हो. तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेदर से फेल एग्री से विल एग्री She will agree is doubtful. Okay. यहाँ पर कहते हैं पूरा सेंटेंस है क्या है, मेरे को लग नहीं रहा है. She will agree. हाँ, इसका मतलब देखो, she will agree, वो तुम्हारे साथ सहमत होगी, या फिर she will agree with you भी बोल सकते हैं. she will agree, वह सहमत होगी. it is doubtful. अब ये सेंटेंस कोई मतलब अलग सा मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन इसको मीनिंग बनाने के लिए हम यहाँ वेदर लिख रहे हैं. whether she will agree is doubtful, मतलब चाहे वो doubtful है फिर भी वो तुम्हारे साथ agree होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम जो भी बता रहे हो वो सही है. सो whether she will agree is doubtful. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये चीज अपने दोस्त को मत बता, कि वो शायद हो सकता है एग्री हो जाए. किसी और को बुला जो थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर सके और बता सके कि तू जो कह रहा है वो थोड़ा सा गलत है, थोड़ा ये ऐसा हो सकता है. तो हमें कभी भी भावनाओं में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. तो वही चीज़ है कि whether she will agree is doubtful, मतलब चाहे डाउटफुल हो, चाहे ये डाउटफुल हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ एग्री होगी. तो ये चीज़ इसका मतलब हो गया है. तो ये सब्जेक्ट का रोल हो रहा है सी विल एग्री. द अर्थ इज, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हमने सी की जो लड़की है उसकी बात की है. अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है. सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये हो गया वी नो. वी नो सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब हम जानते हैं कि सूरज ईस्ट से उदय होता है. ओके, अब इसका बनेगा क्या क्लोज, हम ये जानते हैं. अब यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे डेट का. किसका इस्तेमाल करेंगे? डेट का, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में. अब ऑब्जेक्ट हम जानते हैं, पर हम क्या जानते हैं वही चीज़ हम एक्सप्रेस या फिर हाईलाइटेड करने के लिए डेट का इस्तेमाल करेंगे. वी नो दैट, हम बोलते भी हैं वी नो दैट, हम जानते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट. बस ये तो लिखना है. तो ये हमारा पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट. और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सूरज पश्चिम से उठता है, पश्चिम नहीं पूर्व से, पश्चिम पूर्व ईस्ट, कंफ्यूजन बताओ पूर्व से उठता है पश्चिम से उठता है. पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदी इतनी खराब हो गई. देखो मैंने बोला कि पश्चिम से, ये पश्चिम से तो नहीं होगा पूर्व से है ना, ध्यान रखना. मैं तो मजाक कर रहा था, ये ध्यान रखो आप. ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट है, मतलब ये पूर्व है जहाँ से सूरज आता है, और यहाँ पर सूरज सूर्यास्त सेट हो जाता है. यहाँ से राइज होता है, यहाँ सेट हो जाता है. ठीक है, ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे वरना. हम क्या पढ़ते थे, क्रॉस. ठीक है, ओके, आया समझ में ये चीज. तो यहां पर हम सन के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस ये है, ओके,
I forget. यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। यहाँ ब्लैंक आ रहा है। I forget, blank, told or made this। तो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, आप क्या लगाओगे? Whose, who and whose। कंजक्शन मैंने पढ़ा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें सारा WH फैमिली है। ओके, whose और who, सॉरी कंजक्शन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउंस। कंजक्शन में पढ़ाते क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस देखे आप ना। हु और हुज, हु का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और हुज मतलब जिसकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई फॉरगेट यहाँ आ जाएगा, हु आएगा, ठीक है, क्यों आएगा कि किसी के बारे में बात कर रहे हैं। आई फॉरगेट हु टोल्ड मी दिस, मतलब मैं ये भूल गया कि जो चीज मुझे, जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस, दिस यानी कि एड्रेस, समझ लो इसको एड्रेस। आई फॉरगेट हु टोल्ड मी दिस एड्रेस, ओके, मैं भूल गया कि ये एड्रेस मुझे किसने बताया। हु टोल्ड मी, मुझे किसने बताया, हु टोल्ड मी दिस एड्रेस, आई फॉरगेट दिस। तो ये हु से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक और बता देता हूँ मैं आपको, इसको मिटा देते हैं, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि आई डोंट नो फुल स्टॉप सी हैज गॉन, आई डोंट नो सी हैज गॉन, एंड में लगेगा सी हैज, मुझे नहीं पता है वो चले गए, है ना, ये सेंटेंस हो गया। अब इससे हम दो क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस का ये आप बताओ। एक तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेट का, एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर का, वेयर एंड डेट कैसे। अब देखो, पहला हो गया आई डोंट नो डेट सी हैज गॉन, एंड सेम यहां पर आई डोंट नो वेयर सी हैज गॉन। अब जैसे हम रोज ही बोलते हैं ये वाली चीजें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहां गई, है ना, वही चीज, आई डोंट नो दैट सी हैज गॉन, अरे मुझे नहीं पता वो कहां चली गई, मतलब मुझे नहीं पता कि वो चली गई, मुझे नहीं पता कि वो चली गई। दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। पहला तो ये, डेट का इस्तेमाल करे तो उसका मीनिंग अलग है, वेयर का इस्तेमाल करे तो उसका मीनिंग अलग है। मुझे नहीं पता कि वो चली गई, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ चली गई वो। ओके, तो ये यहाँ पर क्लोज जोड़ने का काम कर रहा है, और ये पहला सेंटेंस है फुल ऑफ सेंटेंस विद द टू सेंटेंस, जो कि एक होना चाहिए लेकिन दो सेंटेंस में घूम रहा है, तो इसको हमने क्लोज बना दिया। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। और क्लोज का मतलब पता था ना आपको क्या होता है? क्लोज का मतलब ये होता है कि मतलब दो सेंटेंस होते हैं पर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि आई टोल्ड यू व्हाट यू आस्क्ड, मतलब आई टोल्ड यू एक पार्ट है, और व्हाट यू आस्क्ड एक पार्ट है, मैंने तुम्हें वो बता दिया जो तुमने पूछा, है ना। तो ये एक सेंटेंस है, और एंड दी एंड में फुल स्टॉप आ रहा है, तो इसको पूरा एक बना सकते हैं अपन। ओके, आई टोल्ड यू दैट यू आस्क्ड, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। और ऊपर दो सेंटेंस नहीं, उप सेंटेंस बोल के सब ऑर्डिनेट बोल सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आ गया ऑब्जेक्ट, तो हमने देखा था कि देखो जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, वी नो द सन राइज इन द, सन के बारे में जो बाद में ऑब्जेक्ट पार्ट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे, है ना। आई डोंट नो सी हैज गॉन, तो सी हैज गॉन तो लास्ट का पार्ट है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और वो हम क्लोज बता रहे हैं। और अभी जो मैंने जस्ट लिखा है आई फॉर, एक उससे पहले लिखाया था आई फॉरगेट हु टोल्ड मी दिस, आई फॉरगेट, तो ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, हु टोल्ड मी
पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके अब एट द एंड हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माय ओपिनियन इज दिस, यहां हो गया फुल स्टॉप, ही इज बेस्ट इन क्लास। मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है वह क्लास में बेस्ट है। अब वही इसको अपन बनाते हैं डेट की सहायता से। माय ओपिनियन इज दिस दैट, दैट ही इज बेस्ट इन क्लास। बस वो इसको हमने जोड़ दिया, दो सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया इसमें कि वो बेस्ट है, वो हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बाकी सेम चीज है। ओके ये था हमारा कौन सा पार्ट इक्वेशन का, नाउन क्लोज था। ओके नाउन क्लोज में क्या है कि हमने जो फैक्टली जो चीजें देखी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं हम लगा सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, अरे यार बहुत बड़ा है, तो चलो कोई नहीं पढ़ो तुम। तो पहला सेंटेंस है, देखो पहला सेंटेंस ऐसा है नाउन क्लोज और इसमें चीज ऐसे बता रही है यूनिवर्सल है, वो चीज यूनिवर्सल का बोले तो जो चीज होती है वो ऑब्वियसली परफेक्टली बताई गई है। लाइक सूरज हमारा जो है सनराइज इन द ईस्ट, तो सूरज पूर्व से उदय होता है, तो ये एक यूनिवर्सल है या फिर गलत, मतलब सिर्फ एक ही जगह होता है, सिर्फ राजस्थान में होता है, उदयपुर में तो नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, सिर्फ राजस्थान में होता है और महाराष्ट्र में तो उदय पश्चिम से होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो ईस्ट से ही होता है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया ना चीज। तो सेंटेंस है ये, You smile, you will never be sick. मतलब तुम हंसते हो, और सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, यू विल नेवर बी, तुम कभी बीमार नहीं होंगे। ओके तो अब इसमें सॉरी क्लोज क्या लगाना है, कंजक्शन बोलते वैसे तो इसको, लेकिन क्लोज बना रहे हैं तो इफ कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, इफ यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक। जैसे अपन मानते हैं इस चीज को, अगर कोई भी बच्चा स्माइल करता है तो वो बीमार नहीं होता है, तो वही चीज यहां पर एप्लीकेबल है कि इफ यू स्माइल, अगर तुम हंसते हो मुस्कुराते हो, लाफ एंड स्माइल यू विल नेवर बी सिक, तुम कभी बीमार नहीं होंगे, बस ये एक फैक्ट है। उसी प्रकार से इफ सी वर्क हार्ड देखो यहाँ एक तो मैंने लगा ही दिया, पर यहाँ क्या लगेगा विल लगेगा। देखो विल का इस्तेमाल होता है किसके लिए, जो एकदम श्योरिटी देता है, क्या देता है, श्योरिटी, जिस चीज को लेकर हम श्योर होते हैं उस चीज के लिए होता है। तो यहाँ ये वही चीज बता रहा है कि अगर तुम स्माइल करते हो तो तुम बीमार नहीं होगे, वही चीज यहाँ पर है कि अगर तुम मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, वर्क हार्ड, तो तुम पास हो जाओगे, तो अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये एकदम यूनिवर्सल है। दुनिया में सभी मेहनत करते हैं तो पास पे बैठे बैठे नहीं होते, तो वही चीज है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब सब पर लागू होता है, ठीक है। अब यही हो गया, यहां पर हमने विल को फॉलो कर दिया। अब नेक्स्ट इमेजिनरी, अपन इमेजिनेशन करते हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां क्या हो गया, इफ सी वर्क
हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ सी वर्कड वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करती सी, तो यहाँ विल नहीं आएगा, वुड आएगा, पास। अगर वो कड़ी मेहनत करती तो वो पास हो जाती, ये लिखा है इसका मतलब, अगर वो कड़ी मेहनत करती है तो वो पास हो जाती। सी वर्क हार्ड, सी वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, इफ अगर वो कड़ी मेहनत करती सी वुड पास, वो पास हो जाती। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि अगर वो करती, जो जो काम हो गया वो पास नहीं हुई है, लेकिन हम बोल रहे हैं अगर वो करती तो पास हो जाती है, तो वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्या पता वो मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते, लेकिन ऐसा है कि इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत करती तो पास हो जाती, क्योंकि हमें पता है कि जो मेहनत करता है, इफ समवन वर्क हार्ड समवन विल गेट सक्सेस, तो जो मेहनत करता है वो सक्सेस पाता है, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर तो मेहनत करती तो पास हो जाती, सी वुड पास। आया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डाउट कमेंट करें, कॉल करें, जो भी करना चाहें करें, ईमेल करें। आई थिंक तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें आसानी से पूछ सकते हैं आप, ट्वेल्थ क्लास में हो, थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, वो चीज़ है। नेक्स्ट है अनफुलफिल्ड कंडीशन, ओके अनफुलफिल्ड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अनफुलफिल्ड को भी हम फुलफिल कर देते हैं। इफ सी, इफ सी, इफ सी हेड, इफ सी हेड वर्क हार्ड, इफ सी हेड वर्क हार्ड सी, बस यहाँ पर अगर इफ सी मतलब वो कर चुकी होती, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं, जो जैसे पहले वुड आया था ना, तो यहाँ पर वुड है आ जाएगा और कुछ नहीं, अगर यहाँ हेड है, यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वहाँ पर वुड के बाद है आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कुछ नहीं है ज़्यादा, ये थोड़ा पुराना हो गया, मतलब जैसे होता नहीं, मैं ये कर नहीं पाया है यार, अगर मैं कर लेता तो मेरे आज बच्चे सुखी रह रहे होते हैं, वो चीज़ है कि सी इफ सी हैड वर्क हार्ड वर्क, अगर मेहनत कर चुकी होती तो वो पास हो चुकी होती, वही चीज़ है। इफ सी हैड वर्क हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत कर चुकी, सी वुड हैव पास, वो पास हो चुकी होती, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं शुड के साथ, अब शुड का इस्तेमाल कैसे करें क्लोज के अंदर। देखो शुड वाला क्या सजेशन मत होता है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, सजेशन है, क्या आप उठते हो नहीं, तो शुड अपन सिर्फ एक परामर्श, जिसको अपन बोलते हैं परामर्श दे सकते हैं, उसका होना संभव नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो वो इसी है, इफ यू मेक अपील या फिर यू मेक अपील, यू मेक अपील लिस्ट ऑफ पीपल विल हेल्प यू। देखो अगर आप अपील करते हो तो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, पहली चीज तो होगी, लेकिन उससे पहले अपील भी अगर वो एक्सेप्ट होगी तब हेल्प करेंगे ना, एक्सेप्ट होगी तब हेल्प करेंगे, वो चीज है। तो यहां मैं क्या करता हूँ, शुड यू अपील एंड एन अपील, अपील डबल पी है ना, Should you an appeal, अगर तुम अपील करते हो या फिर करनी चाहिए आपको, फिर करनी चाहिए, इस तरह से ये लग रहा है, लेकिन ये है कि आगे अपने इसको जोड़ दे देना, तो इसका क्लोज बनाया, अभी दो सेंटेंस थे उसको जोड़ना था, Should you appeal people will help you, मतलब तुम्हें
अपील करनी चाहिए, लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। कोई भी समस्या होगी उससे रिलेटेड अगर अपील करते हैं तो पीपल हेल्प करेंगे तुम्हारी, अगर तुम कदम उठाते हो ये तो ठीक है, तो वो चीज़ है। उसी प्रकार से सूड, ये तो हो गया सूड। और दूसरी चीज़ हम ये बोलते हैं कि अगर मैं अमीर होता तो मैं लोगों की हेल्प करता, वही चीज़ है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वर आई रिच, अगर मैं रिच होता आई वुड हेल्प ये पूरा सेंटेंस है ना, यहाँ पर कोई फुल स्टॉप नहीं। अगर मैं लगाता तो फिर बात हुई कि मैं इसको घुमा के यही बनाता, पहले ये बनाता मैं आई रिच आई वुड हेल्प, और इसी को मैंने पूरा पहले ही बना दिया। ओके वर आई रिच, अगर मैं अमीर होता आई वुड हेल्प, मैं हेल्प करता, ऐसा सब बोलते नेता, बोलेंगे मुझे वोट दो अगर मैं आपको नेता बन गया तो आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए सूड हो गया, फिर वर हो गया, ये एक तरह से बोल सकते अगर ऐसा होता तो मैं ये करता, अगर मेरी अपील सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं उसके लिए काम करना चाहूँगा, चाहिए और या फिर किसी को भी काम करना चाहिए, वो चीज़ तो वो चीज़ होती नहीं है। तो उसी प्रकार से सेंटेंस भी बनाए गए, सॉरी उसी प्रकार से ऐसे वर्ड बनाए गए हैं कि उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सके, तो वो ये सूड हो गया, वर हो गया, एज ए क्लोज बनाते हुए हम यूज में लेते हैं। ओके नेक्स्ट है अनलेस, शी वर्क्स हार्ड फुल स्टॉप, शी वॉन्ट मतलब विल नॉट पास। अब यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है अनलेस का, अगर वो अनलेस का मतलब ये हो गया कि अनलेस सी वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं करती है तो वो फेल हो जाएगी, तो ये अनलेस का इस्तेमाल करेंगे, अनलेस सी वर्क हार्ड सी वॉन्ट पास या सी विल नॉट पास, She won't pass. Okay? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, She won't pass unless she works hard. दोनों तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। काफी ठीक है, अनलेस का इस्तेमाल करें, अनलेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्लोज को जोड़ने के लिए, और क्लोज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट दे आर सो मेनी पार्ट इन द क्लोज सो नो सेंटेंस, सो क्लोज वुड बी अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके तो कहने का अर्थ ये है कि जो पूरा वाक्य होता है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, कि अगर मैं ये करता हूँ तो उसको मैं बुला लूँगा और वो आ जाएगा, तो पूरा सेंटेंस हो गया, उसमें से एक एक पार्ट, तीन पार्ट हो गए, तो एक पार्ट क्लोज है, और उस क्लोज में हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन कंजक्शन। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अनलेस, और अनलेस का मतलब ये होता है कि अगर वो मेहनत नहीं करती है, या फिर अगर वो मेहनत करती है, जब तक वो मेहनत नहीं करती है तो फेल हो जाएगी। सो अनलेस सी वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं करती है, अनलेस दैट इज़ वाई अनलेस, सो सी वॉन्ट पास, वो पास नहीं होगी, सीधी बात है ना। जिस प्रकार से कंडीशन होती है, लोगों की सोच होती है, उसी प्रकार से वर्ड बनाए गए हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इन केस, इन केस का मतलब क्या होता है, इन केस मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, ऐसा हम बोलते रहते हैं, तो वो चीज सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सी कीप्स कैंडल, कैंडल का मतलब क्या होता है, मोमबत्ती। ओके She keeps candle and there is power failure. अब देखो दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस सी keeps candle, keeps any candle रखती है, और there is power failure मतलब वहां पर लाइट नहीं आ रही है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि in case she keeps candle, वह इन केस मतलब जब लाइट नहीं होती तो वो
कैंडल रखती है। आया समझ में? तो हम इन केस को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताइए आप। इन द स्टार्टिंग और एंड द मिड, तो हम दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ she keeps कैंडल इन केस देयर इज पावर फेलियर। अब यहाँ पर इन केस को मैंने क्यों रखा है, ये मेन चीज है। आप स्टार्टिंग में रखते तो उसका सारा जो इफेक्ट होता है सी किप्स कैंडल पर चला जाता है, लेकिन वो कैंडल क्यों रखती है, क्योंकि लाइटर नहीं होती है, तो इसका पूरा प्रभाव यहाँ होना चाहिए। प्रभाव वाला जाए तो इफेक्ट अफेक्ट दोनों चीज़ बोल सकते हैं, इफेक्ट पॉजिटिव है और अफेक्ट नेगेटिव है, तो इफेक्ट कर रहा है तो सेंटेंस को बनाने के लिए तो इफेक्ट जरूरी है, प्रभावित करना जरूरी है। ओके इन केस हो गया, और उसके बाद क्या है, सो लॉन्ग वेदर या मैनी थिंग्स यार, कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ लो। जो एग्ज़ाम आएंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देना, और ये तो आपको सर मैडम बताएंगे या फिर बता दिया होगा, है ना। तो नाउन क्लोज में ये पार्ट हैं, और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने में है। इसमें एक पार्ट है, यू विल बी लाइक्ड सो लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन, मतलब जब तक तुम मानवीय हो, मतलब मानव के जैसे दिखते हो, तब तक तुम लाइक किए जाओगे। यू विल बी लाइक्ड, मतलब तुम लाइक किए जाओगे एज सो लॉन्ग एज ये हो गया क्लोज, यू आर ह्यूमन। यू विल बी लाइक, अब इसका सो लॉन्ग का प्रभाव पूरा यू आर ह्यूमन पे जा रहा है। अगर तुम मानव हो, यू आर ह्यूमन, देन यू विल बी लाइक बाय समवन, ओके। और अगर आप जो आपको मतलब जिस हिसाब से आपको इस धरती पर आने को मिला है, उस हिसाब से आप नहीं रहते हो, तो यू विल बी यू वॉन्ट बी लाइक। अगर आप अच्छे इंसान हो तो यू विल बी लाइक। लाइक हम किसी को भी पसंद करते हैं तो उनको हम क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उनका नेचर अच्छा होता है, वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट, इवन इफ ये अच्छा है, अबाउट किप्स फ्लाइंग, ए बर्ड केस फ्लाइंग एंड फुल स्टॉप इट इन्वॉल्व्स रिस्क, मतलब पक्षी उड़ते रहते हैं और वो रिस्क को भी इन्वॉल्व करते हैं। कैसे है कि आसमान में कोई सामने से आ रहा है, या तो कोई ऊपर चला रहा है, कोई लाइट पे बैठ जाए, है ना, मतलब उनके पास ऑलरेडी भगवान के दिए हुए दो पैर हैं जिस पर लाइट करंट नहीं आता, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब उनमें करंट जाता ही नहीं होगा, आई थिंक लॉजिकली मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उनके पैरों में करंट नहीं आता है, इसलिए वो लाइट के तारों पे बैठ सकते हैं। ओके सो यहाँ पर क्या इसका इस्तेमाल होगा, अगर अब यहाँ ही इस्तेमाल करें हम, इफ इवन इवन इसको इस्तेमाल कहाँ करना था यार, अब ये सेंटेंस है, इसको इस्तेमाल कर दो। ये मैंने बोला कि अ बर्ड किप्स फ्लाइंग इवन इफ, मतलब यहाँ तक कि इट इन्वॉल्व्स रिस्क, अ बर्ड किप्स फ्लाइंग इवन इफ यदि अगर वो रिस्क इन्वॉल्व करते हैं, मतलब चाहे वो रिस्क हो, इवन यहाँ तक कि
वह रिस्क इन्वॉल्व करते हैं फिर भी वो उड़ते रहते हैं, इसका क्लोज का मतलब सीधा सीधा ये निकल रहा है। ठीक है, और इवन इफ का मतलब क्या, इवन का मतलब क्या होता है ना, इवन मैं तो ये भी करती हूँ, है ना, मतलब इंक्लूड कर रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर वो चीज़ इन्वॉल्व हो गई कि चाहे वो कितने भी रिस्क रखते हों वो दो उड़ते रहते हैं। ऐसा में एक पक्षी के बारे में बता रहे हैं एंड नेक्स्ट पार्ट है वेदर एंड ओर, वेदर एंड ओर आई एल सी यू आर स्टडिंग और नॉट। ओके आई एल सी मतलब आई विल सी फुल स्टॉप यू आर स्टडिंग और नॉट। अब वेदर का इस्तेमाल क्या होता है, वेदर का एक तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको थोड़ी देर पहले, और वेदर का इस्तेमाल इस प्रकार से कि आई विल लिखेंगे आई एल सी को, आई भी लिख सकते हैं आई एल सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट। आई एल सी मैं देखूंगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, तो वेदर कर रहे हो या नहीं, तो यहाँ पर वेदर और हमेशा साथ में आते हैं। आई सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट मतलब तुम स्टडी कर रहे हो या नहीं, ये मैं देखूंगा। तो इस क्लोज को, दो सेंटेंसेस को हमने एक क्लोज की सहायता से जोड़ दिया क्योंकि दोनों का मतलब एक ही सेंटेंस से है। आया? और नेक्स्ट अदरवाइज एक और लास्ट पार्ट है किसका, नाउन क्लोज का, फिर हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे। अदरवाइज क्या हो गया, जैसे मैं आपको बताऊँ ऐसा करो अदरवाइज तुम्हें मैं निकाल दूंगा कंपनी से, है ना, तो वर्क हार्ड अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, मेहनत करो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। आया समझ में? सो गाइस हमने इसका एक पार्ट तो देख लिया है नाउन क्लोज, और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एडवर्ब क्लोज, और उसके बाद क्या है रिलेटिव क्लोज आए थे ना, तो रिलेटिव क्लोज हम देखेंगे। सो 5 सेकंड के ब्रेक के बाद मिलते हैं। हेलो वेलकम बैक, अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं ना, एडवर्ब एडवर्ब क्लोज क्या है। देखो जो वर्ब की डिग्री को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब। ओके वर्ब यानी क्रिया, उसकी डिग्री को बढ़ाते हैं वो एडवर्ब क्लोज होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग इसको हम बना देते हैं। क्लोज पे थोड़ा फोकस करना है, एडवर्ब क्या होती है उसे फोकस नहीं करना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है द सन राइजेस, द सन राइजेस darkness disappeared, disappeared appears। हाँ देखो ये सेंटेंस है, यहां पर हम एडवर्ब लगाएंगे, सॉरी क्लोज कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोज बनाने के लिए, जिसमें हम लगाएंगे व्हेन द सन राइजेस डार्कनेस डिसअपीयर। डार्कनेस डिसअपीयर कब होती है, जब सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य आएगा तो प्रकाश आ जाएगा तो डार्कनेस यानी कि अंधेरा मिट जाएगा। ठीक है तो उसको जोड़ते हुए व्हेन द सन राइजेस डार्कनेस अपीयर यही बोलेंगे अपन, व्हेन द सन राइजेस
darkness appears. Disappears. When the sun rises, darkness disappears. Okay? तो यहाँ पर when उस चीज का time बता रहा है, जो चीज होती हुई दिखाई देती है, जब time पता चलता है तो उसको हम बोलते हैं adverb. और ये हम सीख रहे हैं adverb close. ठीक है, adverb closes. तो उस कंडीशन में इसको जोड़ने का तरीका when होता है, मतलब जिसमें क्रिया होती है. जैसे when कब होता है, जब सूर्य उदय होता है तो डिसअपीयर होता है. तो दोनों चीजें में एक्शन हो रहा है, और एक्शन किस एक्शन का काम क्या होता है, जब अब इस डिग्री को बढ़ा रहे, जब सूर्य उदय होगा तो अंधेरा गायब हो जाएगा. तो सूर्य की विशेषता हो गई कि अगर वो आता है तो प्रकाश लेके आता है. तो उस द सन राइजेस, जब राइज होता है तो डार्कनेस डिसअपीयर होता है. तो उसकी क्रिया को उसने बढ़ा दिया. किसने बढ़ा दिया? सनराइज एडवर्ब ने. ओके, तो इसको एडवर्ब क्लोज बोलते हैं. उसी प्रकार से हम एडवर्ब में इस्तेमाल करें, एक वैन से रिलेटेड ही है. वैन विंटर कम्स, जब गर्मी आती है, सॉरी सर्दी आती है. जब सर्दी आती है तो हम क्या करते हैं, वी फील कॉल्ड. When winter comes, we feel cold. When winter comes, we feel cold. मतलब जब सर्दी आती है तो हमें cold feel होता है. Okay? तो ये when से related हो गया. उसी प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं as का, as, as का इस्तेमाल करते हैं. तो क्या हो गया? She talked on mobile as she drove the car. ये एज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन. सी टॉक्ड ऑन मोबाइल एंड सी ड्रॉव द कार. सी ड्रॉव द कार. ओके, वह है मोबाइल से बात, उसने मोबाइल पे बात की, उसने कार चलाई. ये हो गया. अब उसी को हम बनाएंगे क्लोज, एडवर्ब क्लोज बनाएंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा इसको, कि वो जो चीज कर रही थी वो कब कर रही थी, उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है. तो वो बात कब कर रही थी? She talked on mobile as she drove. She talked on mobile. वो मोबाइल पे बात कर रही थी जब वो कार चला रही थी. ये हो गया, जब वो कार चला रही थी तब वो मोबाइल पे बात कर रही थी. बात एक ही है ना. तो as का इस्तेमाल, वो as किसके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस चीज को बताते हुए कि जब वो बात कर रही थी तो वो क्या कर रही थी साथ में, तो वो कार चला रही थी ना, वही चीज कार चला रही थी तब वो मोबाइल पर बात करी. तो एस जैसे जिस प्रकार से वो कार चला रही थी उसी समय वो बात कर रही थी, ऐसा में तो एस का इस्तेमाल ही हो गया. उसी प्रकार से मैं बता सकता हूँ, एज आई स्टडी कंटिन्यूसली आई लर्न द टॉपिक. मतलब एज आई स्टडी कंटिन्यूसली, जैसे मैं स्टडी कंटिन्यूसली करता रहता हूँ या फिर मैं करता हूँ तो मुझे टॉपिक समझ में आ जाते हैं. और उसी प्रकार से मैंने ये बोला ना कि आई स्टडीड कंटिन्यूसली आई लर्न टॉपिक्स, मतलब जैसे मैंने पढ़ाई कंटिन्यूसली की मुझे टॉपिक समझ में आ गए या मैं सीख गया, तो वो चीज़ आ गई. तो एज मतलब एज, जैसे मैंने ये किया उसी की वजह से मैं ये सीख गया, तो वो एज का इस्तेमाल है ना. मिटा दूं मैं इसको. ओके, देन सिंस है, आफ्टर है, बहुत सारी चीजें. सिंस यू हैव ऑलरेडी नोन व्हाई, सिंस यू हैव ऑलरेडी
non n o w n. Since you have already known, then या फिर why did you ask? क्वेश्चन हो गया. अब यहाँ पर सेंस क्या है, क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है. पहले ये था कि यू हैव ऑलरेडी नो एंड ये फुल स्टॉप हो गया. फिर लास्ट में व्हाई डिड यू कॉल, ये अभी सेंस नहीं है. इसको सपोज करो इसे भी ये सेंटेंस है, यू हैव ऑलरेडी नो, तुम ऑलरेडी जानते हो. व्हाई डिड यू आस्क टू मी, तुमने फिर क्यों पूछा मुझसे. तो उसी को अपन एक क्लोज बना रहे हैं यहाँ. फुल स्टॉप पे मैंने हटा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, सिंस यू हैव ऑलरेडी नो, जब तुम्हें पहले से ही पता है तो क्यों पूछ रहे हो. तो वो सेंटेंस जुड़ गया. इसको मैं एकदम सीधा भी लिख सकता था लेकिन वही चीज़ की मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. तो आपको अभी जुड़ा हुआ लगेगा, ये पूरा जुड़ा हुआ है. सिंस यू हैव ऑलरेडी नोन, जब तुम पहले से ही जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो. जैसे होता है ना क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें पता होती है फिर भी पूछते हैं, सर नाइट का मतलब क्या होता है. उन्हें पता है कि रात होता है फिर भी पूछ रहे हो. जैसे एक सर कुछ और बता देंगे, अरे यार ऐसा फिर होता है. ओके, सिंस का इस्तेमाल हो गया. उसी प्रकार से आफ्टर, आफ्टर आई हैड रिवाइज्ड द लेसन. आफ्टर यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया. आफ्टर क्या है, क्लोज. अब इसको भूल जाओ आफ्टर को फिलहाल के लिए ना, दो सेकंड के लिए भूल जाओ. आई हैड रिवाइज्ड लेसन, आई हैड रिवाइज्ड लेसन, आई डिड एक्सरसाइज लेसन एंड आई डिड एक्सरसाइज फुल स्टॉप एंड आई डिड एक्सरसाइज. मतलब मैं एक लेसन रिवाइज कर चुका हूँ, उसके बाद में क्या आया, लेसन रिवाइज कर चुका था, आई डिड इसका, फिर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज की. अब इसको आफ्टर के साथ करना है. वैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो एक सेंटेंस के लास्ट में ऐसे आफ्टर लिखा होगा कि आप आफ्टर के इस्तेमाल से क्लोज बनाइए. तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका बनेगा आफ्टर आई हैड रिवाइज्ड लेसन आई डिड एक्सरसाइज. आया समझ में, मतलब ये वाला रोल हो गया. ऐसा आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा. और ये क्वेश्चन हो गया, आई हैड रिवाइज लेसन आई डिड एक्सरसाइजेस, आफ्टर आई हैड रिवाइज लेसन आई डिड एक्सरसाइजेस. इसका मतलब ये एडवर्ब में इंक्लूडेड है, कौन है ये, और आफ्टर एडवर्ब के रूप में नहीं, प्रीपोजिशन के रूप में या फिर कंजक्शन बोलो कुछ भी बोलो उसके रूप में इस्तेमाल हो रहा है. बस एक क्लोज को हमने बनाया है, दो सेंटेंसेस को एक क्लोज बना दिया. क्या बोलूँ मैं आपको, है ना, कि ये दोनों सेंटेंस को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों सेंटेंस अब एक सेंटेंस है. पहले ये क्या थे, दो सेंटेंस थे, अब एक सेंटेंस हो गए हैं. बाकी इसमें अगर तोड़ा जाए तो आई डिड एक्सरसाइजेज और आफ्टर आई हैड रिवाइज लेसन एक अलग सेंटेंस है, टुकड़े, एक सेंटेंस के दो टुकड़े हो गए. उसको हम बोलते हैं क्लोजेस, उप वाक्य और वाक्य. ओके, फिर हो गया हार्डली एंड हार्डली भी हम यूज कर सकते हैं और सून भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, तो हार्डली मैं बता देता हूँ, हार्डली reached school when bell rang. I hardly reached school when bell rang. अभी hardly यहाँ पर preposition हुआ है. बाकी क्या था, I reached school full stop when bell rang when. okay, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो when है ये भी प्रीपोजिशन का यहाँ पर क्लोज बनाने का काम कर रहा है, हार्डली भी कर रहा है. आई रीच स्कूल व्हेन बेल रिंग, जब घंटी बजी तब मैं स्कूल पहुंची.
अभी यहाँ पर हार्डली का इस्तेमाल आपको बोला है कि हार्डली का इस्तेमाल कीजिए, तो आप आई हार्डली रीच स्कूल, मैं बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंची और घंटी बज गई। एक तो वो स्कूल जा नहीं रही थी, वो बहुत मुश्किल से स्कूल गई और घंटी बज गई थी। तो ये हार्डली वाला सिस्टम, आई हार्डली रीच्ड एट स्कूल एंड व्हेन बेल रिंग, जब घंटी बजी। तो मतलब स्कूल जाने से पहले अगर घंटी बज गई तो फिर स्कूल में अगर अलाउड नहीं है तो नहीं जाने देते हैं, जो सर से बात कर ले तो जाने देते हैं। वही चीज अब एज सून एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हार्डली हो गया, ये हार्डली आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट हो गया। अब इस सेकंड देखो, एज सून एज, देखो एज सून as soon as I reach school, as soon as I reach school the bell rang, मतलब अब यहां पर hardly मतलब मैं मुश्किल से स्कूल पहुंची थी और घंटी बज गई, मतलब स्कूल पहुंचने मतलब टाइम पर पहुंचने से पहले घंटी बज गई और वो लेट हो गई, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, पैसे ऐसी हो गई। यहाँ एज सून एज का मतलब होता है जब स्कूल में वो पहुंची और फिर घंटी बजी, मतलब वो एकदम परफेक्ट टाइम पर गई, दोनों काम एक साथ हुए। एज सून एज आई रीच स्कूल द बेल रिंग, जैसे वो स्कूल में पहुंची और घंटी बज गई। और यहाँ पर एक वो मुश्किल से स्कूल पहुंची, मतलब वो चाहे वो लेट पहुंची हो लेकिन स्कूल तो गई वो, पर मुश्किल से पहुंची, मतलब जैसे रास्ते में टायर पंचर हो गया, वो उसको पता था कि वो स्कूल पहुंचेगी और लेट हो जाएगी लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। तो वो एक तो पैदल पैदल आई, एक तो मुश्किल से स्कूल पहुंची और घंटी बज गई तो फिर गेट बंद हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही घंटी बजी एज सून एज, तो एज सून एज मतलब जैसे वो पहुंची और घंटी बजी, तो जैसे स्कूल में पहुंची और घंटी बज गई तो उस समय उसको अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर दोनों काम एक साथ हुए हैं। और यहाँ पर हार्डली में क्या हुआ कि वो दोनों काम अलग अलग हुए हैं, जैसे कि ये जो हार्डली जब लगाते हैं अपन, जब मैं बोलता हूँ कि वो जो काम ऑलरेडी निकल चुका होता है फिर भी उसको मुश्किल से हम करते हैं तो उसका रिजल्ट चाहे मिले ना मिले लेकिन हम करते हैं, तो करना भी चाहिए, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एज सून एज का मतलब दोनों काम एक समय हो, घंटी भी बज गई वो भी पहुँच गई, ऐसा समझ में आ गया। ओके एंड लास्ट, नहीं लास्ट नहीं बहुत अभी तो है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है द सूनर, द सूनर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं इस सेंटेंस में बता देता हूँ आपको। वी स्टार्ट, वी स्टार्ट द सूनर, ये ब्लैंक समझ लो ना, वी विल रीच देयर, ठीक है। वी स्टार्ट, अभी अकेला है फिर ब्लैंक हो गया, फिर वी स्टार्ट रीच देयर, अब वी विल रीच देयर, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर क्या समझा, द सूनर का मतलब हुआ कि जितना जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे तो जो भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हम लोग जितना जल्दी स्कूल जाएंगे एग्जाम देने के लिए उतना अच्छा, जैसे हम लेट एग्जाम देंगे तो टाइम निकल गया और कम से कम आपके दो तीन ट्यूशन छूट गए, तो आप जितना जल्दी स्कूल जाओगे उतना ही जल्दी पेपर कर पाओगे या उतने ही जल्दी आपको मतलब उतना टाइम मिल पाएगा, वही चीज़। तो वी स्टार्ट, वर्ड यू स्टार्ट आपको पता नहीं है लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, बताया नहीं, वी स्टार्ट वर्क, ये मैं लिख देता हूँ, वी स्टार्ट वर्क द सूनर वी विल रीच देयर, जितना जल्दी हम वहाँ पहुँचते हैं उतना जल्दी हम वर्क स्टार्ट कर देंगे, तो द सूनर का इस्तेमाल इस प्रकार होता है, आया समझ में। एंड देन नेक्स्ट टिल और अनटिल, टिल और अनटिल मैंने प्रीपोजिशन में बता दिए हैं, तो पहला वीडियो वो देख ले। टिल का मतलब क्या होता है, टिल आई विल वेट टिल यू
कम, मतलब मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा जब तक तुम आते हो, एंड आई मिस यू अंटिल यू मिस, मतलब मैं तब तक तुम्हें याद किया जब तक तुमने याद नहीं किया, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें याद मिस कर रहा हूँ, और जब तुमने याद किया उससे पहले मैं कर रहा था, अब लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ, जब तक तुम मुझे मिस करते हो उससे पहले मैं मिस कर रहा था, वही है ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि आई विल मिस यू अंटिल यू मिस, मैं तुम तब तक मिस करूँगा जब तक तुम मुझे मिस नहीं करोगे, आया समझ में? नेक्स्ट जस्ट एज, ओके जस्ट एज का मतलब क्या होता है, जस्ट एज वी कम आउट ऑफ द स्कूल द ट्रेन स्टार्टेड, सॉरी द रेन स्टार्टेड, जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकले और बारिश स्टार्ट हो गई, उसके लिए हम करेंगे जस्ट एज, ये प्रीपोजिशन हो गई, वी कैम वी कैम आउट ऑफ द स्कूल रेन स्टार्टेड, जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द स्कूल रेन स्टार्टेड, जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकले और बारिश हो गई, जस्ट यानी कि जस्ट, आपने बोला जस्ट, आई एम कमिंग जस्ट, मैं अभी आ रहा हूँ, तो जस्ट एज, जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकले रेन स्टार्टेड और बारिश शुरू हो गई, ठीक है, तो इस पार्ट में हमने सीखा है एडवर्ब क्लॉजेस, सो दो सेकेंड बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है क्लॉजेस का, ठीक है, सो मिलते हैं दो सेकेंड के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्लॉजेस, सो इसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं वैसे, और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं 10वीं क्लास में, तो वो वाले वीडियो देख लो क्योंकि सेम वीडियो है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको देखना है, बाकी रिलेटिव क्लॉज अगर आप डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन जरूर देखें, ओके, तो द बॉयज, द बॉय वॉज अवॉर्डेड ही टॉप्ड द क्लास, द बॉय वॉज अवॉर्डेड ही टॉप द क्लास, ही टॉप्ड द क्लास, तो ये वाले सेंटेंस बहुत अजीब होते हैं, अजीब बोले तो आपको समझ में कम आते हैं, ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे करोगे, अब यहाँ में क्या करना होता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको बीच में डाल दिया जाता है और बाकी जो बताना होता है वो हम एज ए फ्रेम बनाते हैं, एज ए फ्रेम उसको बनाएंगे अपन कैसे, जैसे कि अब मैं ये बता रहा हूँ कि द बॉय वॉज अवॉर्डेड, जो बॉय अवॉर्डेड किया गया ही टॉप द क्लास, जिसने क्लास टॉप की थी उसको रिवॉर्डेड किया, मतलब अवॉर्ड दिया गया, अब इसको बनाएंगे कैसे ये देखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, अब देखोगे क्या, द बॉय, ये तो पेन चल नहीं रहा है, द बॉय यहाँ तक हो गया, अब इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन देंगे, तो वो डेट से देते हैं, दैट द बॉय दैट, या फिर हम अलग से रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन ही लगाएंगे, The boy who topped the class. Okay, the boy who topped the class was, यहाँ आ जाएगा, was awarded. The boy, अब यहाँ तक ये हो गई extra information, कहाँ तक, who topped the class was rewarded, अब इसी चीज को अपन was rewarded, extra information को हमने डाल दिया बीच में, और ये हो गया हमारा relative pronoun, और ये close हो गया relative clause RC, okay, relative clause and RP मतलब relative pronoun, who, the boy एक लड़का, who topped the class, जिसने class में top किया है, was awarded, उसको award दिया गया, आया समझ में,
आज हमने बस इस तरह से इसमें हम चौंक जाते हैं और भाई क्या लिख दिया इन्होंने हैं, ऐसा ही होता है। व्हाट यू सेड इज करेक्ट, व्हाट यू सेड, अबे हमें बोलता है व्हाट डिड यू स्पीक इट इज करेक्ट, अब उसी को व्हाट यू स्पोक इज करेक्ट, वो चीज मैं भी लिखा देता हूँ आपको। What did you speak? It is correct. लास्ट में मांग लग गया, अब इसका क्या हो जाएगा? You did speak and it is correct. You did, तुम बोले and जो भी बोले it is correct. तो मैं बोलूँगा यहाँ पर what did you या फिर मैं बोलूँगा what you spoke, फिर second form अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं what you spoke, या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, is correct. ये वाला इस्तेमाल हो गया. What did you speak? इट इज करेक्ट, उसका क्लोज ये बन गया व्हाट यू स्पोक इज करेक्ट. व्हाट, ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. व्हाट यू स्पोक इज करेक्ट, जो तुमने कहा वो सही है. तो इस क्लोज की सहायता से हमने ये सीखा है. ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक राहुल इज माय फ्रेंड Rahul is my friend, okay? And you met him yesterday. Okay, अब इसका close बनाओ. Rahul. Whom you met yesterday. Whom you met yesterday is my friend. अब ये क्या है? Whom you met yesterday. ये extra information हो गई. Rahul. Whom you met yesterday. जिससे तुम मिले वो मेरा friend है. वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ. Rahul is my friend. You met him yesterday. Rahul मेरा दोस्त है और उससे तुम कल मिले. और यहाँ पर वही राहुल, होम यू मैच अच्छे से, जिसे तुम मिले इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है. राहुल जिसे तुम मिले वो मेरा फ्रेंड है. तो ये डायरेक्टली क्लोज बनाते हैं. ठीक है, ये वाले थोड़े से मतलब अच्छे होते हैं मेरे पास, इंटरेस्टिंग ये लगते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि इसमें थोड़ा सा IQ यूज़ करना पड़ता है कि इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है. ओके, एंड लास्ट इस क्लास का लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं और उसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा. या फिर ऐसा करते हैं आप समझो और क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करो और फिर एग्ज़ाम में जाओ और एग्ज़ाम में नंबर लाओ. अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट करें. ओके, लास्ट सेंटेंस है आज का, द स्टूडेंट इज सीनियर. The student is genius. I praised. यानी कि तारीफ की मैंने. I praised him. मतलब मैंने उसको शाबाशी दी या फिर तारीफ की. तो अब इसका क्लोज क्या बनेगा? The student, okay? Whom I praised, जिसको मैंने praised किया, whom I praised, spelling P-R-A-I-S-E-D, praised, is genius. वह genius है.
अब ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। द स्टूडेंट वो स्टूडेंट होम आई प्रेस जिसको मैंने प्रेस किया इस जीनियस पर जीनियस है उसी सेंटेंस को हमने क्लोज में बदल दिया। आने इस प्रकार से विच है होम है हुज है वो आपको समझना है, कुछ भी डाउट है तो आपको पूछना है ठीक है। और एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पर्स जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।